हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सूजी और हरी सब्जियों से बनी हुई बहुत ही कुरकुरा चटपटा नाश्ते की रेसिपी। घर में रखे कुछ सामान से ही बनके तैयार हो जाती है और इसे बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम एक कप सूजी डालेंगे। आप बारीक वाली सूजी या मोटी वाली सूजी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 50 ग्राम के करीब दही डालेंगे। तो दही को हल्का सा मैंने फेंट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको बैटर को बना के तैयार कर लीजिए। तो इकट्ठा एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। तो इस बैटर को हमें तैयार कर लेना है। ध्यान रहे इस बैटर में ना लम्स ना रहे, तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए बैटर को बना के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये सूजी ना अच्छे से फूल जाए। और ये जब सूजी फूल जाती है ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसे रख देते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल चुकी है और ये बैटर जो है ना गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। तो 2-4 चम्मच के करीब ही इसमें पानी डालना है और फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधी चम्मच के करीब जीरा लिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधी चम्मच के करीब नमक डालेंगे या फिर स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और साथ में यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर में अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। देखिए मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक गाजर लिया है जिसे हमने ग्रेट करके डाला है। तो आप इसमें सब्जियाँ ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपके पास सब्जियाँ हो वही डालें। अब हम यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन ले रहे हैं, साथ में मैंने एक आलू लिया है तो इसे भी ग्रेट कर लिया है, ये कच्चे आलू है। तो फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी सब्जियों को अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लीजिए। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस बैटर जो है ना वो बन के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, नाश्ता बनाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। बैटर को तैयार करने के बाद ना तुरंत से नाश्ता तैयार कर लीजिए, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तो पहले तेज आंच पे ना पहले तेल को गर्म कर लीजिए, फिर गैस को मीडियम कर लीजिए। तो एक बार बैटर को मिक्स कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक चम्मच बैटर उठाएँगे। तो यहाँ पर जो सर्व करने वाला स्पून होता है ना वही लिया है हमने। तो एक चम्मच हमने यहाँ पे बैटर को लिया और तेल में डाला। अब हम इसे एक साइड से पहले फ्राई होने देंगे। तो दूसरा नाश्ता फिर से हम तेल में डालते हैं। तो ऐसे एक चम्मच हम बैटर को उठाएंगे और तेल में डालेंगे। तो एक साइड से जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। तो पलटने में जल्दबाजी ना करें, जब ये एक साइड से फ्राई हो तभी पलटें। तो तेल में एक बार में जितना नाश्ता है ना उतना नाश्ता डालेंगे, बस ध्यान रहे कि ये आपस में एक दूसरे से चिपके ना। तो ये देखिए इसमें भी कलर आ गया है नीचे से, इसे भी पलट देते हैं। तो ऐसे इसे एक से दो बार उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर तक पके। तो मीडियम आँच पर ही इसे फ्राई करें, स्लो या फिर हाई आँच पर फ्राई ना करें। स्लो आँच पर ना ये तेल ना बहुत ज़्यादा ही सोख लेता है और तेज़ आँच पर ये जल जाएगा। तो मीडियम आँच रखें और दोनों साइड से ऐसे ही उल्टा पुल्टा के अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो बस नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो एक एक करके नाश्ते को प्लेट में निकाल लीजिए और साथ में तेल में एक एक करके नाश्ते को डालते जाइए ताकि दूसरा भी नाश्ता बन के तैयार हो। तो ये देखिए गर्मा गर्म सूजी का नाश्ता बनके तैयार है। कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, खाने में ना ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है।
तो बस गर्मा गर्म नाश्ता बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।